विविधता। गुजरात के दो बार के मुख्यमंत्री और आपातकाल में जेल जाने वाले केशुभाई पटेल जैसे दिग्गज नेता का गुरुवार को 92 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। उनके जाने से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद दुखी नजर आए, क्योंकि वो केशुभाई पटेल को अपना सियासी गुरु मानते थे। पीएम मोदी ने केशुभाई पटेल के निधन पर एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए बताया कि वो कैसे नेता थे और उन्होंने कैसे उनकी मदद की। हमारे प्यारे और सम्मानित केशुभाई का निधन हो गया है, मैं बेहद दुखी हूँ। वो एक उत्कृष्ट नेता थे जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चले। उनका जीवन गुजरात की प्रगति और हर गुजराती के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा। एक और ट्वीट में पीएम मोदी ने केशुभाई पटेल को किसान हितैषी बताते हुए कहा, केशुभाई ने जनसंघ और भाजपा को मजबूत करने के लिए समूचे गुजरात की यात्रा की। उन्होंने आपातकाल का डटकर विरोध किया। किसान कल्याण के मुद्दे उनके दिल के बेहद करीब थे। विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कई किसान हितैषी नियम बनाए। आखिरी ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, केशुभाई ने मेरे सहित कई छोटे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया और उन्हें आगे बढ़ाया। सबको उनका मिलनसार स्वभाव पसंद था। उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी सफर साल 2001 के बाद से ही सही मायने में परवान चढ़ना शुरू हुआ, जब उन्हें पार्टी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। मोदी को ये पद भी केशुभाई पटेल की वजह से ही मिला था, जिन्हें पार्टी ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया था, क्योंकि उनकी सरकार पर भूकंप के बाद प्रशासनिक अक्षमता के आरोप लग रहे थे। पद से हटाए जाने के बाद मोदी और केशुभाई पटेल के रिश्तों में खटास तो जरूर आई, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी उन्हें अपना गुरु मानते रहे। यहां तक कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो हमेशा अपनी जीत के बाद केशुभाई पटेल का आशीर्वाद लेने जाते थे। केशुभाई पटेल ने पहली बार साल 1995 में गुजरात का सीएम पद संभाला था। इसके बाद वो 1998 से साल 2001 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर काबिज हुए। 2012 में छोड़ दी थी बीजेपी। केशुभाई पटेल साल 1945 में प्रचारक के तौर पर स्वयं सेवक संघ से जुड़े थे। संघ कार्यकर्ता के तौर पर ही वो साल 1975 के आपातकाल में जेल भी गए थे, जिसके 5 साल बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तब से लेकर साल 2012 तक वो बीजेपी का हिस्सा रहे। हालांकि साल 2012 में ही उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी और अपनी नई पार्टी गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी। इसी साल केशुभाई पटेल गुजरात विधानसभा चुनाव में विसावदर सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि बीमार होने की वजह से उन्होंने साल 2014 में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने राजनीतिक कार्यकाल में 6 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले केशुभाई पटेल ने साल 2014 में ही राजनीति से संन्यास का भी ऐलान कर दिया था। पीएम मोदी आखिरी बार केशुभाई पटेल से साल 2019 में मिले थे, जब वो सीएम विजय रूपाणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। अपने सियासी गुरु के जाने पर पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, आइए आपको सुनाते हैं। आज देश का, गुजरात की धरती का एक महान सपूत हम सभी से बहुत दूर चला गया है। हम सभी के प्रिय श्रद्धेय केशुभाई पटेल जी, उनके निधन के समाचार मैं कल्पना ही नहीं कर सकता हूं। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत स्तब्ध हूं। केशुभाई का जाना मेरे लिए किसी पिता तुल्य के जाने की तरह है। उनका निधन मेरे लिए ऐसी क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। करीब 6 दशक का सार्वजनिक जीवन और अखंड रूप से एक ही लक्ष्य, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित। केशुभाई एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। एक तरफ व्यवहार में सौम्यता और दूसरी तरफ फैसले लेने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी बहुत बड़ी खासियत थी।
उन्होंने अपने जीवन का प्रतिपल समाज के लिए, समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उनका हर कार्य गुजरात के विकास के लिए रहा। उनका हर फैसला प्रत्येक गुजराती को सशक्त करने के लिए रहा। एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से उठकर निकलने वाले हमारे केशुभाई किसान के, गरीब के उन दुखों को समझते थे, उनकी तकलीफों को समझते थे। किसानों का कल्याण उनके लिए सर्वोपरि था। विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री रहते हुए केशुभाई ने अपनी योजनाओं में, अपने फैसलों में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। गांव, गरीब, किसान के जीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया, राष्ट्रभक्ति और जनभक्ति के जिन आदर्शों को लेकर वो जीवन भर चले, वो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। केशुभाई गुजरात के रंग रंग और रग रग से परिचित थे। उन्होंने जनसंघ और भाजपा को गुजरात के हर क्षेत्र में पहुंचाया, हर क्षेत्र में मजबूत किया। मुझे याद है इमरजेंसी के दिनों में किस तरह केशुभाई ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया, पूरी ताकत लगा दी। केशुभाई ने मुझ जैसे अनेकों साधारण कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सिखाया, हमेशा मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मैं निरंतर उनके संपर्क में रहा। गुजरात जाने पर मुझे जब भी अवसर मिला मैं उनका आशीर्वाद लेने भी गया। अभी कुछ सप्ताह पहले ही सोमनाथ ट्रस्ट की वर्चुअल बैठक के दौरान भी मेरी उनके साथ बहुत देर तक बातचीत हुई और वो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। कोरोना के इस काल में मेरी फोन पर भी उनसे कई बार बातचीत हुई। मैं उनकी सेहत के बारे में पूछता रहता था। करीब 45 साल का निकट परिचय, संगठन हो, संघर्ष हो, व्यवस्था का विषय हो, व्यूह रचना का विषय हो, आज एक साथ अनेक घटनाएं मेरे स्मृति पटल पर आ रही है। आज भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरी तरह ही बहुत दुखी है। मेरी संवेदनाएं केशुभाई के परिवार के साथ है, संपूर्ण भाजपा परिवार के साथ है, उनके शुभ चिंतकों के साथ है। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि केशुभाई को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति।